नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। लेकिन जैसा कि आजकल हम लोग कई बात करते हैं कि नजर सिर्फ मेरी नहीं रहती है, मेरे साथ किसी और की भी रहती है, तो आज मेरे साथ नजर रहेगी हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ इतिहासकारों में से एक, प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जो वर्षों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते थे और वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट है कि अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के इनॉग्रेशन के समय औरंगजेब और शिवाजी को जक्सपोज किया और सलार मसूद और सुहेलदेव महाराज को किया। पहले भी कई बार संघ परिवार के टॉप नेता, इंक्लूडिंग जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में इतिहास को हिंदू इतिहास लिखना चाहिए, भारतीय इतिहास नहीं लिखा जाता। ये वामपंथी जो इतिहासकार हैं, ये फॉरेन किस्म का या फिर प्रो इन्वेडर एक दूसरे किस्म का एक इतिहास लिखते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि ये हिंदुस्तान में जो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री होता रहा है, इतिहास को अलग अलग समय काल में बांटना कि हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और उसके बाद क्रिश्चियन या फिर कॉलोनियल इतिहास, तो ये जो बांटा जाता है ये तीन अलग अलग फेजेस में, ये किस हद तक सही है और हमको इतिहास को किस फ्रेमवर्क में देखना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुखिया साहब, सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि क्या ये कहना सही होगा कि जो हमारे हिंदुत्व के जो फोर्सेस हैं उनकी जो हिस्टोरियोग्राफी है वो एक तरह से कॉलोनियल व्यू ऑफ हिस्ट्री को ही आगे बढ़ाती है? नीलांजन, शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित देने के लिए। सबसे पहले तो ये कि मैं आपके सवाल पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक किस समय में हम आजकल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं कि इतिहास का एजेंडा इतिहासकार नहीं सेट कर रहे हैं, इतिहास का एजेंडा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बताते हैं कि इतिहास, असली इतिहास क्या था, असली इतिहास कितना खराब हुआ, आजकल कैसे उसको सुधारना चाहिए वगैरह। और वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कई इतिहास के ऐसे ऐसे तथ्य हमारे सामने ला के दिए जो किसी को मालूम नहीं था, जैसे कि सिकंदर बिहार तक पहुंच गया था, ये तथ्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने ला करके रखा। तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में था, श्याम प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु 1930 में हो गई, ये सारे तथ्य उन्होंने ही ला करके रखे। और ये अब नया तथ्य भी ला करके रखा कि औरंगजेब उनके साथ था और शिवाजी हमारे साथ थे। ये उनके साथ और हमारे साथ, ये इतिहास का मोड़ इतिहासकार नहीं दे रहे हैं, ये इतिहास का मोड़ हमारे नेतागण दे रहे हैं, खास खास किस्म के नेतागण। तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे ख्याल से दुर्भाग्य, मेरे ख्याल से सब बहुत वरिंग बात भी है कि मतलब इतिहास कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास को कैसे समझा जाना चाहिए, ये डायरेक्शन हमको पॉलिटिकल लीडरशिप देगी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसका इतिहास ज्ञान, मैंने अभी बताया कुछ उदाहरण दिए, ऐसा है कि जिसका जी, कोई जी, जी। इतिहास के तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है। बहरहाल, अब ऐसे समय में हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो सही, तो चलिए कर लेते हैं। जो आपका सवाल है कि ये इतिहास की के समय का क्या विभाजन, ये कब शुरू हुआ? एक तरह से तो ये समय का विभाजन मध्यकाल में ही शुरू हुआ। उसमें मध्यकाल में ये तो नहीं था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये कहीं भी नहीं था जी, दुनिया में कहीं भी नहीं था। ये ये विभाजन पहले हमें यूरोप में प्राप्त हुआ। यूरोप में 17वीं शताब्दी के आखिर में, लगभग 1688 में टू बी एग्जैक्ट,
ये विभाजन शुरू हुआ, और ये विभाजन यूरोप के इतिहास के संदर्भ में शुरू हुआ, भारत के इतिहास के संदर्भ में नहीं हुआ है, या किसी भी दुनिया के किसी भी इतिहास बाकी किसी भी भाग के इतिहास के बारे में शुरू नहीं हुआ, ये यूरोप के संदर्भ में शुरू हुआ था जी। और इसमें जो प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक काल का जो विभाजन हुआ उसकी अवधारणा थी, उसके नीचे एक एक अवधारणा थी, एक प्रिंसिपल था, एक एक तरह से वो ये था कि अब 17वीं शताब्दी में यूरोप आधुनिक काल में आ गया है जी। आधुनिक काल शुरू हो गया है उसका, आधुनिक काल। और आधुनिक काल कैसे शुरू हो गया कि आधुनिक काल के कुछ गुण हैं, अपने गुण हैं, विशेष गुण हैं, और वो गुण ये हैं कि आधुनिक काल या आधुनिकता जी वो है जो कि तर्कपूर्ण है, जो कि विवेकशील है, जो कि रैशनलिस्ट है, जिसमें रैशनल रैशनैलिटी उसका एक एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा है, डिफाइनिंग एलिमेंट है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है। मॉडर्न वो है जो कि रैशनल है, और इसलिए मध्यकालीन वो है जो कि इरेशनल है, उसके बरक्स है, उसके विपरीत है जी। तो एक तरह से मध्यकाल मध्यकाल को की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, मध्यकाल वो है जो कि अन आधुनिक है, जो आधुनिकता के विपरीत है जी। तो एक तरह से जिसको डार्क एजेस भी कहा गया कि अंधकारमय युग है, आज का युग प्रगतिशील युग है, आधुनिक युग क्योंकि वे रैशनल है, मध्य युग जो था वो इरेशनल था इसलिए प्रगतिहीन था, इसलिए अंधकार युग था। ये उनका यूरोप के बारे में ये अवधारणा बनी 17वीं शताब्दी में। वहां से फिर फैल करके सारी दुनिया में, क्योंकि यूरोप का विस्तार हुआ सारी दुनिया में, इसलिए ये अवधारणा भी सारी दुनिया में फैली जी। तो ये त्रिभागीय विभाजन समय का ये सारी दुनिया में स्वीकार किया गया। हिंदुस्तान में भी आई, तकरीबन हिंदुस्तान में भी आया लगभग 19वीं सदी में, हिंदुस्तान में पहली बार 1903 में इसका इस्तेमाल हुआ है। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते चीन में, जापान में, मध्य एशिया में, ये या पश्चिम एशिया में, ये सब जगह ये स्वीकार होने लगा। तो इसकी इसकी भी अवधारणा वही रही कि पहले यूरोप में आधुनिक काल आया, वो अपने पिछड़ेपन को पीछे छोड़ आया है, मध्यकाल को पीछे छोड़ आया है, अंधकार युग को पीछे छोड़ आया है। आज वही व्यवस्था, वही अवस्था सारी विश्व की है, सारी दुनिया की है कि यूरोप तो बहुत आगे जा चुका है आधुनिक काल में, लेकिन सारे विश्व जो है, बाकी जो सारा दुनिया है वो अभी भी अंधकार युग में है। अभी हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेसी और जो जो आधुनिकता के जो आधार थे उनमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। मैं एक एक चीज पे जरा आपकी नजर डालने के लिए बोलूंगा। मुझे आपसे कुछ दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था इसी मुद्दे पे, तो आपने मुझे याद दिलाया कि ये जो मॉडल है ये जेम्स मिल की जो इतिहास थी अर्ली 19th century 1817 में उनकी किताब आई थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन इंडिया, तो वो जो किताब आई थी 1817 में, तो उसमें ये डिफाइनिंग पीरियड्स डाले गए कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया। और उसी मॉडल को हम देखते हैं कि बड़े सहजता के साथ हिंदुत्व के ताकत उसको लेके आते हैं। हिंदुस्तान की जो इतिहास है उसमें क्लियरली डिवाइड किया जाता है कि एक हिंदू है जो कि भारतीय है और एक मुसलमान है जो कि इन्वेडर है। 1200 साल की गुलामी एक कांस्टेंट रिफ्रेन रहा है हमारे प्रधानमंत्री के हर भाषण में, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का दावा 2011-2012 में करना शुरू किया था। बिल्कुल जोर जोर से बोलते थे कि 1200 साल की गुलामी के पीरियड को हमको पीछे छोड़ना है, और अब उनके जो सपोर्टर हैं वो बोलते हैं कि 2014 के बाद एक नया दौर ऑफ रिसर्जेंट हिंदू का इतिहास हिंदुस्तान में लिखा जा रहा है। तो ये जो पीरियड है, इन सब चीजों के बारे में जो बात हो रही थी जेम्स मिल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके बारे में जरा नजर डालिए आप। जी जी
ये जो समय का विभाजन इतिहास में इतिहास के समय का विभाजन आधुनिक और मध्यकाल और प्राचीन, या प्राचीन मध्यकाल आधुनिक जो यूरोप में आया वो हिंदुस्तान में सीधा उसी सूरत में नहीं आया जी। उसी सूरत में ये 1903 में आया है जैसे मैंने बताया। जी। ये इसका एक एक और ये तो अपने आप में एक विकृत रूप है इतिहास के विभाजन का के जिस काल में बहुत प्रगति हुई उस काल में बहुत पिछड़ापन था, प्रगति हुई नहीं। ये सब इतिहासकार ये सब बातें बहुत पहले छोड़ चुके हैं। प्रगति विकास हर हर काल में हुआ है, कम हुआ ज्यादा हुआ, किस दिशा में हुआ, किस किस दर पर हुआ, किस पेस में हुआ, ये सब हुआ। लेकिन चेंज प्रगति परिवर्तन हर समय होता रहता है, हर समय हर काल के इतिहास में प्रगति होती है। तो ये कहना कि इस समय बहुत प्रगति हुई है, पहले बहुत बिल्कुल प्रगतिहीन था, ये अपने आप में बिल्कुल गलत अवधारणा है। लेकिन ये अवधारणा तो अपने आप में गलत है, यूरोप के संदर्भ में भी गलत है जहाँ ये इसका प्रतिपादन हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान में इसका दूसरा भी इसका इस विकृत रूप को फिर विकृत और भी विकृत करके हिंदुस्तान में लाया गया, जिसमें ये प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत का की परिकल्पना नहीं लाई गई, यहाँ पर लाई गई जेम्स मिल द्वारा, जैसे आप कह रहे थे 1817-18 में, कि ये हिंदू कालीन, मुस्लिम कालीन और ब्रिटिश कालीन था जी, ये जी. विभाजन। तो ये इसका इसका डबल वैमी है इसमें के पहले तो अपने आप में मध्यकालीन सॉरी अंधकार मुक्त युग, अंधकार में युग वैसे ही है अपने आप में बाय इट्स डेफिनेशन, और उसको उसको फिर यहाँ पर बराबर किया गया, इक्वेट किया गया मुस्लिम युग के साथ। जी जी तो मुस्लिम युग वो अंधकार युग है, ये अंधकार युग नहीं है, ये मुस्लिम युग है जो अंधकार युग है। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के उस अंधकार को खत्म किया और आगे प्रगति शुरू हुई। तो ये भी एक डबल डिस्टॉर्शन है उसका समय के विभाजन का जो भारत में आया था। जो जो हिंदू काल है उसको इस तरह से भी पेश किया जाता है कि वो हिंदू पीरियड में जो भारत था वो एक सोने की चिड़िया थी जिसको जी नहीं, ये जेम्स मिल ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। हाँ, जेम्स लेकिन ये अब कहा जाता है। नहीं, अब कहा जा रहा है जेम्स मिल में जेम्स मिल को तो बहुत सख्त मुखालिफत थी, विरोध था इस्लाम से, और उसके उसके बारे में हकारत थी उसकी, बिल्कुल कंटेम्प्ट था। लेकिन उससे भी ज्यादा कंटेम्प्ट उसका हिंदू धर्म के बारे में था, बहुत ही ज्यादा, इस्लाम से ज्यादा वो हिंदू धर्म के बारे में उसको हकारत थी, कंटेम्प्ट हुआ करता था। तो उसने बिल्कुल ये सब नहीं कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के आने से पहले बड़ा सोने की चिड़िया थी वगैरह वगैरह, ये बाद में आया है, ये बहुत बाद में आया है। उसी की अवधारणा को लेकर के कि मुस्लिम काल जो पिछड़ा हुआ था वो था अंधकार में युग था, तो उससे ये अवधारणा इन्होंने बनाई, हिंदुत्व वालों ने बनाई के उसके पहले का युग था वो बहुत स्वर्णमय युग था, बहुत चमकता हुआ सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह। तो जेम्स मिल की अवधारणा नहीं थी। बहरहाल तो ये इस तो लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा नीलांजन के जो बहुत अहम बात है कि ये सब अवधारणाएं, ये सब विभाजन, समय का विभाजन, ये अवधारणाएं के एक काल में बहुत प्रगति हुई, प्रगतिशील काल था, आधुनिक काल था, दूसरे काल में बहुत विकृति हुई या अंधकार में युग था, ये सब अवधारणाएं इतिहासकार बहुत पहले छोड़ चुके हैं जी। हिंदुस्तान के बारे में नहीं, सभी जगहों के बारे में ये छोड़ी जा चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने आजादी की आजादी तक यही चलता रहा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड चलता जी, रहा। जी, जी। मैं भी छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1950 के दूसरे दशक में, यही चलता था, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न कहते थे लेकिन असली वो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, उसकी उसी तरह से वही रहा था। लेकिन 1900
लगभग आजादी के 10 साल बाद, 10-12 साल बाद, एक दशक बाद, ये बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आया है। ना सिर्फ काल के विभाजन के परिवर्तन, अब ये मध्यकाल पहले शुरू होता था या महमूद अफ गजनी के हमले के बाद या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद 1206 में। अब मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है लगभग, कभी 7वीं से भी हो जाता है लेकिन लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। पहले 1707 औरंगजेब के मृत्यु के बाद खत्म हो जाता था। अब ये 18वीं सदी को तक, लगभग पूरी 18वीं सदी को अपने उसमें ले लेता है। तो ये अवधारणा सब बदल चुकी है कि आधुनिक मध्य प्राचीन मध्य और आधुनिक, ये नाम तो चलते रहते हैं लेकिन वो अवधारणा नहीं है इसकी, वो बुनियाद नहीं है उसकी जो कि हमें पहले जेम्स मिल ने दी थी। इसलिए अवधारणा नहीं है कि पहले जो इतिहास था जो जेम्स मिल ने हमें दिया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वो राजनैतिक इतिहास, राजनैतिक भी नहीं, राजवंशों का इतिहास था। जी, ये एक डायनेस्टी आई, फिर उसको दूसरी डायनेस्टी ने उसको उसकी जगह कब्जा कर लिया वगैरह। डायनेस्टी की हिस्ट्री था, राजवंशों कहते हैं। आज जो आजादी के बाद जो इतिहास का अध्ययन हुआ वो राजनैतिक इतिहास या राजवंशों का इतिहास तो है ही, लेकिन उससे बहुत आगे जा करके समाज का इतिहास, आर्थिक व्यवस्था का इतिहास, विचारों का इतिहास, कल्पनाओं का इतिहास, समय की क्या कल्पना थी इतिहास में, भारतीय इतिहास में, पास्ट की, गुजरे जमाने की क्या कल्पना थी भारत के इतिहास में, कैसी कल्पना, और एक कल्पना नहीं अनेक कल्पना थी जो बदलती रहती थी। प्रोफेसर मुखिया, इतिहास का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है आजादी के लगभग 10 साल, 1960 के आसपास से शुरू करें तो लगभग बदल चुका है। लेकिन अब जो हो रहा है वो यही, जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आरएसएस के संचालक प्रमुख हो, अब वो इतिहास, वो इस बदलते हुए इतिहास को 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 के विपरीत हमें वापिस वहीं ले जाना चाहते हैं जो जेम्स मिल ने हमें दिया था। जी, मध्यकाल का इतिहास बड़ा अंधकारमय इतिहास है। अंधकारमय इतिहास इसलिए कि यहाँ मुसलमानों का राज्य था, मुसलमान सब के सब विदेशी थे, ये विदेशी राज था। ये विदेशी राज की क्या भाई, अगर इसको विदेशी राज कहा जाए तो दुनिया में कहीं नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां पर दो स्वदेशी राज हो। जी जी, इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड जो आजकल कोई जी, है, जी, जी, वो तो हैनोवेरियन है, वो तो हैनोवेरियन है, इंग्लैंड की तो है ही नहीं, वो तो वहां भी विदेशी राज है क्या इंग्लैंड में? तो दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो आजकल जो डोमिनेंट रेस है, या चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वो तो सब माइग्रेंट्स है, व्हाइट स्किन है, जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो है ही नहीं, सारे के सारे। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां पर माइग्रेशंस नहीं हुए या हमले नहीं हुए या कब्जे नहीं किए गए। लेकिन विदेशी वो होता है जो आ करके लूट मार करके चला जाए या फिर राज्य करे लेकिन अपने अपने देश के हितों के लिए राज्य करे। यहाँ पर जो बस, या कहीं पर भी, हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पर भी जो, जैसे क्वीन एलिजाबेथ का मैंने उदाहरण दिया, कहीं पर भी जहाँ बस जाएं और वहां के वहीं पर वहीं के हो जाएं, वो फिर विदेशी नहीं होते। विदेशी जैसे हमारे हुए नादिर शाह आया, उसने लूट मार की, वो विदेशी आया। अहमद शाह अब्दाली आया, विदेशी लूट मार करके चला गया। तैमूर आया, उसने लूट मार करके चला गया। तो और अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने शासन किया 200 साल, और शासन अपने देश के हितों के लिए किया, अपने देशवासियों के हितों के लिए किया, हमारे देश के हित के लिए नहीं किया। मैं ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ 2014 के बाद से किस तरह का इतिहास का प्रमोशन किया जा रहा है।
2014 में सबसे पहले तो कब्जा हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और जो उस समय जो नए जो डीजी अपॉइंट किए गए थे तो उनकी तरफ से कुछ आया था इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह का इतिहास होना चाहिए, किस तरह के सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए। हम लोग मतलब मैं चूंकि पत्रकार रहा हूं तो मैं इन लोगों से बात करता रहता हूं, संघ परिवार के नेताओं से और इनके जो 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 हिंदुत्व के इकोसिस्टम में जो लोग जीवंत रोल प्ले करते हैं, तो तीन मोटे तौर पे मेरे को मतलब पॉइंट्स निकल के आती हैं कि एक तो उनकी प्रयास है कि जो हमारे जो तमाम जो मिथ और जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो संस्कृत पुराण या फिर अलग अलग चीजें हैं, इनको हम लोग मिथ या लेजेंड्स के तौर पे ना देखें, बल्कि इनको हम ऐतिहासिक सोर्स के तौर पे हम इनको देखें। दूसरा चीज वो दिखाना चाहते हैं कि जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है इसको हम लोग ओरिजिनल धर्म इस देश का, इस राष्ट्र का माने, और पूरे सबकॉन्टिनेंट में तमाम जो लोग रहते हैं इनकी सांस्कृतिक विरासत यही है, इसके अलावा कोई और सांस्कृतिक विरासत नहीं है। इसी से इनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो डिफाइन होती है, जिसमें मतलब धर्म आ जाता है, क्योंकि संस्कृति उनके लिए धर्म ही है। तो जो इंसान जिसकी पितृभूमि और जो 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 होली लैंड है वो अगर भारत नहीं है तो वो हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं कहला सकता। और तीसरी जो चीज है जो प्रयास मैं देखता हूँ कि जो हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन, जिसको हम लोग इंडिजिनस पॉपुलेशन बोलते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में है, तो उनके बारे में यह है कि उनके जो भगवान, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनको हम लोग मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। कि हम लोग आज माना जा रहा है, हिंदुत्व तो ताकतों की तरफ से माना जा रहा है कि जो जो आदिवासी जो कम्युनिटी है वो जो है वो असल में हिंदू है जी, उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये इतिहास के थ्रू किया जा रहा है। जी जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। असल में ये 2014 में शुरू नहीं हुआ है, बहुत पहले से शुरू हो चुका है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, ये कहना कि आर्य कहीं बाहर से आए थे पहले, तो ये सही है कि ये अंग्रेजों की अवधारणा थी कि आर्यों का यहाँ पर आक्रमण हुआ जी। लेकिन अंग्रेज ये अवधारणा लगभग 60-70 साल पहले भारतीय इतिहासकारों ने बिल्कुल इसको इसको नकार दिया है, और उनमें सबसे आगे रोमिला थापड़ हैं जिन्होंने को बिल्कुल खत्म किया है कि यहाँ पर ये आक्रमण आर्य आक्रमणकारी थे, बल्कि ये अवधारणा बनी के ये माइग्रेंट्स थे जी, जी, अब जी। माइग्रेशंस की तो आजकल जो डीएनए के जरिए जो नए नए तथ्य आ रहे हैं सामने, आप देखा होगा कि अभी हफ्ता भर पहले, हफ्ते से कम पहले, एक वो नया लेख आया था नेचर जैसे जर्नल में, रेस्पेक्टेड जर्नल में, कि ईस्ट यूरोप से लगभग 4,500 ईस्वी पूर्व बीसी में यूरोप से माइग्रेशन हुए, जो वेस्ट यूरोप हुए, उसके बाद इंग्लैंड तक पहुंचे और वहां पर वहां के निवासियों के साथ घुल मिल करके उनके वो डीएनए बदला उनका जी, जी, और वहां की भाषा सेल्टिक भाषा वहां तक पहुंचा। तो ये जो आजकल जो डीएनए के जरिए बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, उससे ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि भाई दुनिया में कोई पॉपुलेशन नहीं है जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है। हर पॉपुलेशन हर जगह माइग्रेशंस कितने हुए हैं और हजारों साल पहले, 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले पॉपुलेशंस, और हर जगह माइग्रेशंस हुए हैं। ये हम सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पूरी दुनिया में। तो कोई ये अवधारणा के हम प्योर हैं, ये प्योरिटी की अवधारणा बिल्कुल खत्म हो रही है जी, जी, खत्म जी। हो चुकी है, खत्म हो रही है, खत्म हो नहीं रही, खत्म हो चुकी है ये। और डीएनए तो बिल्कुल कायम कर, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मैं अपने परिवार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बंगाल में देखने को मिलता है काफी, पूरे जो जो पूर्वी पूर्व भारत जो है वहां पे हमको बहुत परिवारों में मंगोलॉइड स्ट्रीक्स देखने को मिलते हैं। मैं मजाक में बोलता हूँ कि मैं कभी आपको अगर मेरे ताऊ जी की फोटो दिखाऊं, खासतौर से एक दो खास फोटो हैं, और बोलूं कि ये कोई बहुत मशहूर
जापनीज या फिर मंगोलियन बिजनेसमैन है, तो आप मेरे को मतलब नहीं बोलेंगे कि नहीं ये नीलांजन ये आपके ताऊ जी हैं। तो ये माइग्रेशन का ही एक इंटरमिंगलिंग है। तो आपकी जी, जी तो और आपकी माइग्रेशन बात बहुत, जी जी आपकी बात से जो निकल के जो आ रहा है वो ये है कि इतिहास को पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होना पड़ा है। लेकिन एक इतिहासकार के तौर पे एक आखिरी सवाल, पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा, आपने सही बताया कि पहले दौर में भी रहा है लेकिन शायद 2014 से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतनी लीडरशिप इतनी भूमिका नहीं प्ले की कि अनसाइंटिफिक तरीके से इतिहास का शोध किया जाए या स्टडी किया जाए। तो इसके बारे में आपको इतिहासकार के तौर पे हिस्टोरियोग्राफी पे कितना बड़ा खतरा लगता है? ये देखिए, एक तो ये कि आप आपने पहले भी कहा, पहले कह रहे थे कि ये कहा जा रहा है चाहे ICHR के जरिए या जी किसी राजनीतिक नेताओं के जरिए कि हमें इस तरह इतिहास पढ़ना चाहिए, हमें अपने उपनिषदों को सोर्सेस मानना चाहिए। ऐतिहासिक सोर्स जरूर, उपनिषद हमारे ऐतिहासिक सोर्स हैं और उनको इस्तेमाल किया गया, हर इतिहासकार ने इस्तेमाल किया है, लेकिन किस लिए? इतिहास उसमें वो इतिहास के सोर्स हैं इस सेंस में कि वो हमें रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताते हैं, वो हमारी वैल्यूज के बारे में बताते जी हैं, क्या जी वैल्यूज उसमें, वो हमें ये नहीं बताते कि कौन से बादशाह ने आकर के किस पे हमला किया और कौन सी लड़ाई जीती, और जी वो वाले तथ्य नहीं हमें बताते। उपनिषदों में वो तथ्य नहीं, अलग किस्म के तथ्य होते हैं, ये तथ्य जैसे मैंने कहा वैल्यूज के बारे में तथ्य होते हैं वो हमें बताते हैं, रिलीजन के बारे में, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में तथ्य होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये तथ्य जी इतिहास को समझने के लिए, और इतिहासकार इनको समझते हैं, लेकिन इनको इतिहास मान लेना कि यही इतिहास है, यह गलती वहां पर होती है, लेकिन हमें वही कहा जा रहा है कि इतिहास यही है, उपनिषद और इतिहास है, उपनिषद ही हमारे इतिहास है, वही उपनिषद उपनिषद है, इतिहास इतिहास है, दोनों में बहुत आपस में जी संबंध है, लेकिन एक 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 तरह का एक जॉनर है, दूसरा दूसरा जॉनर है। अभी तक कोई एक पुस्तक हमारे सामने नहीं आई है जो हमें बताए कि भैया इतिहास, हमें यही बताते रहते हैं कि इतिहास को वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब कोई यार किताब ला करके दिखा तो दीजिए, लिख करके दिखा तो दीजिए कि हमें इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये जी बताते रहते हैं कि आपने गलत पढ़ा है, आपका गलत सही है, का उनका सही कुछ दिखता नहीं है। सही सही कुछ दिखता नहीं है। और सही दूसरी आखिरी बात जो आपने कही, जे अब वो इसको एक स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, ये जी जी इस तरह के इसको स्टेट, जब प्रधानमंत्री दिन ब दिन यही सब कहते रहे और ये मंत्री और वो मंत्री यही सब कहते रहे और सरकारी सारे और फिर मीडिया भी उसमें जी शामिल है, तो एक सपोर्ट सिस्टम उसके लिए जर रहा है जो के इतिहास एज ए डिसिप्लिन उसके उसके लिए खतरा भी एक तरह से है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतिहास एज ए डिसिप्लिन सर्वाइव कर जाएगा इन सब को जब चलिए सपोर्ट जब इनको वो सपोर्ट स्टेट सपोर्ट नहीं मिलेगी। और मैं सिर्फ ICHR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो इको इको सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जी। इको सिस्टम जब को सपोर्ट से नहीं मिलेगी तो इतिहास अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, ये हर एक के आने जाने से और ये कह देने से और वो कह देने से इतिहास इतिहास ऐसे बदलता नहीं है, वो जी टीवी चैनल्स पर और व्हाट्सएप पे बदलता रहे, लेकिन वो जी इतिहास एज ए डिसिप्लिन इतना कमजोर नहीं है कि कोई मंत्री आकर के कहे तो सब सब कह देंगे हाँ खत्म जी हो ये जाएगा। जी आपके आपके इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पे मैं आज आपके साथ बातचीत जी खत्म इस यहीं करता हूं। आपसे तो ऐसे जी बात होती रहेगी और फिर से दोबारा फिर किसी और एपिसोड में किसी और मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। तो ये थे कि प्रोफेसर मुखिया का कहना है कि इतिहास खत्म नहीं होगा। इतिहास का भले ही आज के पॉलिटिकल युग में पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होता रहेगा। इतिहास में अपनी इतनी मजबूती है कि इन अटैक्स को विदस्टैंड करे। उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो आप सब श्रोताओं को भी प्ले करना पड़ेगा। सही इतिहास को
पढ़ना पड़ेगा, उसको समर्थन देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का कार्यक्रम खत्म करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इसको देखने के लिए। नमस्कार।